नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे राशि चक्र की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों का फरवरी का महीना कैसा जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। साथ साथ अगर आप डेली का राशिफल मीन राशि का देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मीन राशि वालों को कैसे परफॉर्म करना चाहिए, क्या रहता है उनका भविष्य, उसके लिए आपको टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। देखिए व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, जो फरवरी का महीना है बहुत अच्छी जाएगी आपकी, और नई खरीदारी कर सकते हैं। अगर कोई परेशानियां चल रही थी तो वो कहीं ना कहीं आपकी कम होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन ऐसे लोग जो आस्तीन के सांप होते हैं या कहो विश्वासघाती होते हैं, उनसे आपको दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। आपकी जो वाणी होगी वो बहुत ज़्यादा कड़क होने वाली है, आप साफ बोलने वाले बनने वाले हैं। घूमने भी कहीं जा सकते हैं, सरकारी अधिकारियों से आपकी स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई देगी। पैतृक संपत्ति बहुत अच्छे तरीके से मिलती दिखाई दे रही है, और बौद्धिक चर्चाएं यानी कि एक सकारात्मक चर्चाएं आप करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा और आपकी जो अधूरी कामनाएं थी वो पूरी होते हुए दिखाई दे रही हैं। लाभ की स्थिति बहुत अच्छी है, लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ अगर कोई दिक्कतें चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई देंगी। जीवन में हर ओर आपको यहाँ पर सुखों की प्राप्ति होगी, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। घर में अगर कोई रिपेयर करना चाह रहे थे तो वो भी यहाँ पर आपका होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। महीने की शुरुआत में पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। पूरे महीने में मैं कहूँ प्रेम बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि मध्य के दिवस में कुछ कहास होनी जरूर होगी बड़े बुजुर्गों के साथ, लेकिन यार कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी। रिश्तेदारों के साथ भी आपकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर बनेगी, चचेरे भाई बहनों के साथ भी रिश्ते आपके काफ़ी मजबूत होंगे। व्यापारी लोगों का जैसे मैंने बताया कि काफ़ी हद तक आप अपने विस्तार के ऊपर लगेंगे, जिसकी वजह से आपके कुछ खर्चे भी यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे और आपको सहायता भी प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। व्यापार को लेकर शंका में रहेंगे आप, लेकिन कोई ऐसी शंका आपको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्थिति आपके पक्ष में ही आती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी अधिकारी इस माह अपने काम को लेकर काफ़ी खुश रहेंगे, और नौकरी के जो लोग हैं उनको भी काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ें मिलेंगी। हालांकि जो कोलीग्स हैं वो कई बार थोड़ा बहुत आपसे तुनक मिजाजी कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम आपके मुकाबले थोड़ा सा कम होगा, इसलिए थोड़ा सा आपको सजग रहना है, लड़ाई किसी से नहीं करनी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी हद तक आपके अच्छी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका जो मन है और ध्यान है वो पूरी तरह से पढ़ाई में रहेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मन को विचलित करने की प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को एकाग्र कर लें तो बहुत अच्छा इस साल आपका जाता हुआ दिखाई देगा। कॉलेज के छात्र में कुछ नया करने की चेष्टा होगी, हालांकि एग्ज़ाम सर पे आ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप कुछ ऐसा नया ना करें जिससे आप अपने आप को प्रॉब्लम में आ जाएं। प्रेम संबंधों की बात करूं तो ठीक ठीक है, अच्छा रहेगा। कोई तीसरा व्यक्ति दरार डालने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसको आप कवरेज नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पर नहीं आएंगी। विवाह अगर नया नया हुआ है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान रखें अपने, क्योंकि कुछ ओवर एक्साइटमेंट में कुछ दिक्कतें आपकी आ सकती हैं। वहीं जो लोग बीपी के मरीज हैं, जिनको दिक्कत है, उनको थोड़ा सा डॉक्टर का संपर्क यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि बीपी बढ़ रहा है। वहीं सर में दर्द की जैसी शिकायतें, एलर्जी जैसी शिकायतें भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। शारीरिक रूप से कोई समस्या इस महीने नहीं आएगी, लेकिन आपको फिर भी बदलता हुआ मौसम पर अगर आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस बात का आपको ध्यान रखना है। एक तो अति उत्साह से आपको बचना है, और किसी तरीके के किसी लड़ाई झगड़े में किसी तीसरे पर्सन के आपको नहीं पड़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके जिम्मेदार फिर आप खुद ही होंगे। आप अपने सक्सेस को कहीं ना कहीं अवरुद्ध करेंगे यानी कि रोकेंगे, जिसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना कर पड़ना पड़ सकता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, उनकी यात्राएँ इस महीने होंगी, इस वजह से अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि कुछ मौसम का चेंज आपके ऊपर हावी होता हुआ दिखाई देगा, जिस वजह से हो सकता है कि आपको उस तरह से परफॉर्म अप ना करें। इसलिए मैं अभी से कह रहा हूँ आपसे कि आप अपने जो तैयारी है उसको और पुख्ता कर लें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट ये वीडियो मैं बनाता हूँ, इसलिए उम्मीद भी रखता हूँ कि आप लोग पूरा देखें। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।